सच्चिदानंद रूपाय देशोत्पत्याद हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता बंधनम सर्व साधुवा प्रणामं पारांगतम। कि दिल से तुमको बुलाऊं मैं स्वामी, दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवन, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। दिल से तुमको बुलाऊं मैं स्वामी, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है, नहीं है तेरे बिन मेरा। तेरे बिन मेरा कोई नहीं है, एक आशा लगी है प्रभु तेरी, दूजा कोई सहारा नहीं है। भक्त नरसी सदा दीन दुखिया रहा, आसूस ने लगाई जबी आपकी हो, आसूस ने आसूस ने लगाई जबी आपकी, कनी झंझट सभी बेटी रामा के घर, किसी आफत ने घेरा नहीं है। वही आशा लगी है प्रभु तेरी, दूजा कोई सहारा नहीं है। कर ऐसा दयालु तू है मोहन, दे दे थोड़ी जगह मुझको भी गोद में हो, दे दे थोड़ी थोड़ी जगह मुझको भी गोद में। ब्रजेशु तेरा है तेरा रहेगा, ब्रजेशु तेरा है तेरा रहेगा, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवन, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है, नहीं है तेरे बिन मेरा। तेरे बिन मेरा कोई नहीं है, वही आशा लगी है प्रभु तेरी, दूजा कोई सहारा नहीं है। आदरणीय श्रोतागण, राजपूत कैसेट के सौजन्य से रामायण का पवित्र आख्यान सीता हरण का प्रसंग जो है वो हम आप लोगों के समक्ष राजपूत कैसेट के माध्यम से देने के लिए जा रहे हैं। भक्तों, महाराज दशरथ की आज्ञा मान करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अर्धांगिनी सीता जी और लघु भ्राता लक्ष्मण जी के साथ में जब पंचवटी पर रह रहे थे, रावण की बहन सुपर्णखा एक दिन वहाँ पहुँची भगवान श्री राम की तंदुरुस्ती को निहार करके सुंदरी का रूप धारण किया और वो सुपर्णखा आगे बढ़ करके प्रभु राम से बोली है श्रीमन कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, कहा
कि न तो तुम्हारे समान कोई संसार में पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री है। मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे साथ में विवाह कर लें। तो प्रभु राम ने कहा कि देखो, शादी मैं नहीं कर सकता, हम कुआरे नहीं हैं, ब्याहे हैं, एक नारी संग में रखते हैं, अपनी के सिवा दूसरे की माँ बेटी बहन समझते हैं। जवाब दिया, लक्ष्मण अगर चाहें तो उनकी पत्नी उर्मिला घर रह गई हैं, वो तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे। तो सुपनखास लेकर के शेषा अवतारी लक्ष्मण जी के सामने पहुंची, लेकिन वहां से भी निराश होकर वापस आई। सुपनखा जिस समय राक्षसी का रूप धारण करके सीता की तरफ भागी, तो भगवान श्री राम का संकेत पा करके शेषा अवतारी लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान कतर डाले। वही सुपनखा रोती हुई खरदूषण के सामने पहुंची है। दोस्तों, खरदूषण से घमासान युद्ध हुआ है दंडक वन में। जब खरदूषण भी मारे गए तो सुपनखा लंकाधीश रावण के पास पहुंची और रो करके सुपनखा कहने लगी है भैया कि भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी संग में लाए हैं। पंचवती में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो, जवाब दिया भैया तो लड़के इस दंडक वन में रहते हैं जिनके साथ में एक बहुत सुंदर लड़की है। मैंने उस लड़की से जब मिलना चाहा तो छोटे तपसी ने हमसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम सुनते ही सुनते उसने हमें गाली दी और मेरी नाक काट डाली। लेकिन भैया अब मेरी नाक गई सो गई और वो अपनी नाक संभालो तुम, जग में गर ऊंची नाक नहीं तो नकता नाम धरा लो तुम। जवाब दिया है वीरन, जब मैंने तेरा नाम लिया, तेरे नाम को सुनकर के छोटे तपसी ने हमें गाली दी और मेरी नाक और कान कतर डाले। दोस्तों, सुपन खा के जिस समय ऐसे शब्द सुने हैं दशकंदर ने, हाथ में नंगी तलवार लेकर के खड़ा हो गया और कहने लगा, नादानो मैं जानता हूं कि तुमने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया है, लेकिन अबला पर हाथ उठाने से कोई वीरता का ये परिचय नहीं है। और बोला वो रावण कि नारी की नाक काटने से होती है नाक नहीं ऊंची। होती है ना
आंख नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। रावण कहने लगा, नारी पर हाथ उठाने से कभी धाक ऊंची नहीं होती, लेकिन कमबख्तों में वही दशकंदर रावण हूं जो मेरे भय के कारण देवता भी कांप रहे हैं और हमारे भय के कारण शेर और मृग एक घाट पर पानी पी रहे। और वो रावण बोला, ए धरा धाम पाताल नाक, मेरे बिना कुने जीते हैं, भैसे मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। जवाब दिया दशकंदर ने बहन सुपनखा, नाक तुम्हारी नहीं कटी है, बल्कि नाक लंकाधीश रावण की कटी है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई बहन, तुम्हारी नाक काटी और तुम मेरे पास तक चली आई, मेरे पास आने की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्या तुमने इस संवाद को खरदूसर से नहीं कहा? जवाब दिया भैया, वह बोली मुझ पर हुआ जब वे अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सभी समाचार। जब वो फौजें लेकर के वहां आए थर और दूसर, लेकिन भैया कि वे फौजें लेकर गए वहां अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उन बड़े तपस्वियों ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। जवाब दिया सुपन खाने कि मैं तुम्हारे पास तो बाद में आई हूं, पहले संवाद को मैंने खरदूसर से ही कहा था, लेकिन भैया खर दूसर को भी उन्होंने जान से मार दिया। भक्तों, जो सुपन खा के मुखारबिंद से ऐसे शब्द सुने दशकंदर रावण ने, तो रावण के दिमाग में एक और बात आ गई। कौन सी बात? मन ही मन में उस दशकंदर ने सोचा कि खर दूसर को मारना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, साधारण इंसान का काम नहीं है। और वो बोला कि खर दूसर मो समबल बनता, उन्हें को मारे बिने भगवंता। हो खर दूसर मो समबल बनता, उन्हें को मारे बिने भगवंता। कहा उस रावण ने मन ही मन में ये विचार किया कि खर दूसर को जिसने मारा वो भगवान के अलावा कोई साधारण इंसान तो नहीं है। मन ही मन में सोचने लगा, खैर अगर राम अवतारी हैं, भगवान है, तो ये हमारे मुक्ति का द्वार खुल गया। और दशकंदर समझा करके बोला, घबरा नहीं बहन, कि बोला बेकाटे नाक कानू
फिर जिंदा रहे जमाने में, जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे पीस भुजा मेरी, लान तू है शस्त्र उठाने में। टूटे पीस भुजा मेरी, लान तू है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बन में जाता हूँ, हाँ दंडक बन में जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से ले कर आता हूँ। को समझाया और जवाब दिया, चिंता न करो, अगर तुम्हारी नाक काटी है तो मैं उनकी भी नाक काट के आऊंगा। और भक्तों, आज वो दशकंदर चला है वहां से, यह कह निश्चर चल दिया, होनी हुई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। वो रावण चला और रावण चल करके दोस्तों मामा मारीच के पास पहुंचा और मारीच से कहने लगा, मामा तू एक काम कर दे मेरा। कौन सा काम? तो बताया कि तू चल कर माया मृगु बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरि लाऊंगा। जवाब दिया कि तुम सोने के हिरण बनो और सोने के हिरण बन करके राम और लक्ष्मण को बहका लेना, और मैं महात्मा बन करके सीता का हरण करके चला आऊंगा। जो इतने शब्द सुने तो मारीच को बहुत पुरानी याद आ गई। भक्तों, पुरानी याद वो जो विश्वामित्र के यज्ञ में मारीच गया था, भगवान श्री राम ने एक ही बाण में उस मारीच को 100 योजन की दूरी पर फेंक दिया था। आज वही बात सोच करके मारीच बोला, देखो लंकाधीश, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? तो बोला, वे विश्वामित्र यज्ञ बाला, अब छुटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका, जिसने 100 योजन पर फेंका, वो राम बाण आंखों में है। आती है बरसों की चोट पुरानी, वो बरसों की चोट पुरानी, वो फिर आज उखड़ती आती है। जवाब दिया,
कहता है कि मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। वो विश्वामित्र के यज्ञ वाला बाण मुझे याद है, मैं श्री राम से बैर निभाने नहीं जाऊंगा। और दशकंदर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताए। बोलो। देखो तुम एक विचार नहीं करना जानती हो, पड़ोसी से, सतियों से, साधुओं से, गुरुजनों से, ब्राह्मणों से कभी बैर नहीं निभाना चाहिए। लंकाधीश रावण, सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम बैद रसोईया घर का भेदी दास। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं, बे मौत मौत के घाट वही बेबक्त उतारे जाते हैं। और मारीच बोला, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, यदि करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। मारीच ने समझाया कि अच्छे कर्मों के करने से संसार में प्रकाश हो जाता है और पराई स्त्री को घर में लाने से घर का सत्यानाश हो जाता है, इसलिए तुम मेरी सलाह मानो। जो इतने शब्द सुने तो धाती को पीस करके रावण कहने लगा, मामा अगर तू मेरे साथ नहीं चला तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सीता को हरने से पहले तुम्हें मौत के घाट यहीं उतार दिया जाएगा। तो मारीच सोचने लगा अब क्या करें। रावण की ये बात सुन कांप गयो मारीच, सोचा यद्यपि काम यह सब प्रकार है नीच, लेकिन क्या करूं, पर बस क्या है, पर बसता है सब भांति मौत ही आई है। क्या है, पर बसता है सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुआ में गिरता हूं, उस ओर गिरूं तो खाई है। मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। मारीच सोचने लगा मन ही मन में, अगर इधर गिरता हूं तो खाई है, उधर जा रहा हूं तो कुआ है, चलो इस राक्षस के हाथ से क्यों मरें, भगवान के हाथ से मरेंगे तो परलोक सुधर जाएगा। भक्तों इतने शब्द सोचने के बाद में आज मारीच सोने का हिरण बना।
महात्मा बनकर के वो दशकंदर रावण चला। लेकिन भक्तों, जब दिन आते हैं बुरे तब होते खोटे काम, ये दोनों पहुंचे वहां जिस वन में श्री राम। ये दोनों वहां पहुंचे जहां भगवान श्री राम मौजूद हैं। भक्तों, कि रावण ने वहां पहुंचते ही वे स्वांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छुपाने को रख लिया भेष भिकु मंगे का। अपनी असलियत छुपाने को रख लिया भेष भिकु मंगे का, महात्मा बन करके जब कुटिया की तरफ बढ़ा है और इधर वो सोने का हिरन मारीच बन करके कुटिया के चारों तरफ जब घूमने लगा और सीता जी ने जिस समय उस हिरन की तरफ निहारा तो प्रभु तो कि सीता परम रुचिर मृगु देखा, अंग अंग सु मनोहर बेसा। सीता परम रुचिर मृगु देखा, अंग अंग सु मनोहर बेसा। भगवान श्री राम से बोली, मृग ऐसा तो देखा न सुना जैसा ये सुघर सलोना है, देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। कुटिया का सिंघार होगी सोने के मृग की, मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। जवाब दिया है, इस हिरन को मार करके ले आओ, ऐसा हिरन आज दिन तक न देखा था न सुना था जो सर से पैर तलक सोना ही सोना है। तो भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष बाण धारण किया और कहने लगे, सीते घबराओ नहीं, हम हिरन को मारने के लिए अवश्य जाएंगे। और भगवान श्री राम ने इशारा किया सीता से, क्या कि तुम पापक में करहु निवासा और तबल की करही निशाचर नासा। तुम पापक में करहु निवासा, तबल की करही निशाचर नासा। उसी समय भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष उठाया और चले कि बाण चढ़ाया राम ने, खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी, चले हिरन की ओर। हिरन की तरफ जब बढ़े हैं, शेषावतारी लक्ष्मण जी को छोड़ दिया कुटिया पर कि तुम सीता की रखवाली के लिए यहां मौजूद रहो क्योंकि ये जंगल है और हम हिरन को मार के ला रहे हैं। भक्तों, हिरन के पीछे पीछे ये भागते चले गए, लेकिन मारीच भगवान श्री राम को काफी दूर ले जा करके पहुंचा।
कई आंखों से ओझल हो जाता है वो हिरण, कई माया भी हिरण दिखाई देने लगता है। भगवान श्री राम ने जब एक बाण छोड़ा बाण जिस समय आगे जाकर के उस मारीच के लगा है दोस्तों, तो मारीच ने मरते समय भी रावण की मित्रता निभाई। कि मरते दम भी मायावी ने और मित्रता निभाई रावण की, कि हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, यह कह कर देह संबरण की। लक्ष्मण मेरी सुध लेना ये कह कर देह संबरण की। जैसे ही शरीर में बाण लगा है प्रभु राम का, तो मारी जमीन पर गिर गया और मरते वक्त भी रावण ने ये मारीच ने विचार किया कि मैं रावण की दोस्ती को इस तरीके से वफादारी के साथ ही निभा के छोड़ेंगी। और मरते समय मारीच ने आवाज लगाई, हे भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। दोस्तों ये आवाज जिस समय कुटिया पर पहुंची और सीता जी के कान में जब प्रभु राम जैसी आवाज पहुंची, तो लक्ष्मण जी से जवाब दिया, हे शेषा अवतारी लक्ष्मण, कि देवर देवर जाकर देखो और रघुराई तुम्हें टेरते हैं, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भैया के थके हुए बाजू भैया की बात हेरते हैं। कितने कष्टों के मुख में हैं, कितने कष्टों के मुख में हैं। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में हैं। जवाब दिया लक्ष्मण, जा करके देखो प्रभु राम तुम्हें बुला रहे हैं। तो राम का नाम सुनकर के शेषा अवतारी लक्ष्मण कहने लगे, मां क्या कहा तुमने, सूरज के पास में अंधेरा हो ये तो असंभव बात है। हे मैया सीता, किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा, कि सूरज कितना भी सूरज जिस जगह प्रकाशित हो कब वहां अंधेरा आएगा। किसी का ऐसा साहस नहीं है जो भैया राम को कष्ट पहुंचाए। तो लक्ष्मण के ऐसे शब्द सुनने के बाद में सीता जी कहने लगी, हे लक्ष्मण, आज मैंने तुम्हारे मन की बात जान ली। क्या मतलब? तो कहने लगी लक्ष्मण कि बोली अब मैंने समझ लिया कि मतलब का भाईचारा है।
तुम घर से जो वन में आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। जैसे ही कहा है सीता जी ने कि तुम्हारे मन की बात मैंने जान ली है, तुम्हारा कोई स्वार्थ था इसलिए तुम हमारे साथ वन में आए हो, आज तुम्हारे भैया के ऊपर आपत्ति है और फिर तुम यहाँ पर क्यों रुके हुए हो। ये सही है कि संसार में भाई जैसा कोई मित्र नहीं होता और भाई जैसा कोई दुश्मन भी नहीं होता। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने जब ऐसे शब्द सुने हैं, उस शुद्ध हृदय में जाते ही वह टुकड़े रो रो कर निकले, मिल सकी जगह न ठहरने को तो आंसू हो कर निकले। पल भर भी लखन लाल जी पर उन बाकियों का प्रभाव न रहा, वह निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। लक्ष्मण जी ने माँ सीता की जबान से ऐसे शब्द सुने हैं लेकिन दिल में कोई धक्का नहीं पहुंचने दिया, मन में ये विचार किया कोई बात नहीं और आगे बढ़ करके कहने लगे, माँ तुम ऐसे दुर्वचन हमसे क्यों कह रही हो, मैंने राम को भाई नहीं बल्कि पिता समझ करके सेवा की, जिंदगी भर मैंने तुम्हें कभी भाभी नहीं समझा, मैं तुम्हें माँ समझ करके तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। तो सीता ने कहा, अगर तुम हमें माँ समझते हो तो मेरी एक बात और सुन लो, यदि माता हमें समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, तो आज्ञा मानो माता की, आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की, जाओ सुधि लेने भ्राता की। जवाब दिया, अगर तुम हमें माँ समझते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम अपने भैया को देखने के लिए जाओ। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे खग और मृग देख रहे हो, हे सूर्य भगवान, आज हम अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद में माँ सीता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन रघुराई अगर इस बात पर उलहना दे तो कह देना कि लक्ष्मण निर्दोष है। और इतने शब्द कहने के बाद में शेषा अवतारी लक्ष्मण चले, हाथ में धनुष लेकर के एक रेखा खींच दी। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक, रेखा खींच दी और कहा कि मां सीता इस रेखा से निकल करके बाहर मत आना, रेखा के अंदर ही रहना, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और इतने शब्द कहने के बाद शेषा अवतारी लक्ष्मण चले गए। यह कहकर लक्ष्मण चले चला न जाता है, बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ थान पर गाय। लक्ष्मण जी तो चले गए, अब सीता के कान में एक योगी के गाना की आवाज पहुंची,
तो कुटिया में से आगे को जब नजर फैलाई सीता ने तो क्या देखा, सीता ने कि सीता की आंखों ने देखा बूढ़ा सा योगी आता है। आवाज उसी योगी की है, वह योगी ही कुछ गाता है। एक तारा भी है हाथों में, बस उसे बजाता आता है। मीठी मीठी ले कारों से, मीठी मीठी ले कारों से ये सदा लगाता आता है। अब वो रावण महात्मा बनकर के आगे बढ़ा, सीता के सामने जाकर के बोला, हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो, सदा बोल बाला तेरा। तू दूध नहाय और पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़ भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, तेरा ये अटल सुहागिन हो। रावण ने जिस समय महात्मा का भेष बना करके भक्तों और सीता से आवाज लगाई है कि हमें भिक्षा डाल जाओ, तो एक योगी की बात सुनकर के सीता जी जो कंद मूल फल रखे थे वो लेकर के आई और कहा कि भिक्षा ले जाइए। उसी समय भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। वो रावण रुक गया उस रेखा को देख करके, और दोस्तों उस रावण ने क्या देखा, इतने में ही मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है। आगे जब पैर बढ़ाया है देखा ज्वाला सी जलती है। इतने में ही मालूम हुआ वो रेखा रंग बदलती है, आगे जब पैर बढ़ाया है देखा ज्वाला सी जलती है। सोचा ये कोई माया है या तेज किसी योगी का है। अथवा सीता है महाशक्ति सत, इसी महान सती का है। उस रेखा को देख करके रावण ठहर गया, रेखा से बाहर ही खड़ा रहा और मन ही मन में विचार करने लगा, रेखा उल्लंघन करता है तो निश्चय अभी मरण तेरा।
कैसा सीता का हरण, यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। मन ही मन में विचार किया उस रावण ने कि इस रेखा से बाहर न निकले, क्योंकि इस रेखा को लांघने की भी चेष्टा की तो यहीं पर प्राणों का हरण हो जाएगा, सीता का हरण होना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। रेखा से दूर खड़ा हो गया और कहने लगा, ऐसी बंधी हुई भिक्षा हमें स्वीकार नहीं है, अगर हमें भीख देना चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आ जाओ। सीता जी ने कहा, माफ करना, यह हमारे देवर की आन है, इसे मैं पार नहीं कर सकती, इसलिए तुम भिक्षा ले जाओ। तो रावण कहने लगा, ऐसी हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेंगे। वह बोला, तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, तो बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। ऐसे नहीं दान हुआ। तो सीता के मन में एक और बात आ गई, मन में सोचा कि देवर की आन रहे न रहे, और रखूंगी धर्म गृहस्थी का, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब इस रेखा का ध्यान छोड़ी, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। दोस्तों, भूली इस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। आज जैसे ही रेखा से बाहर कदम उठाया है सीता ने, दोस्तों आज वो लंकाधीश रावण महात्मा महात्मा नहीं रहा। क्या दशा बनी, रेखा से बाहर आते ही उस योगी ने बाना बदला, उस योगी ने बाना बदला। रावण रावण हो गया बही, सब ठाट फकीराना बदला। एकदम से रावण रावण बन गया बही। और भक्तों, सीता जी से खुले शब्दों में दशानन कहने लगा कि मैं महात्मा नहीं हूं, मैं लंकाधीश रावण हूं, अब तू रावण के शिकंजे में है और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। सीता जी ने जिस समय यह हालत निहारी है, पैरों के तले धरती खिसक गई। भक्तों, सीता जी का हाल बेहाल होने लगा। यह सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन संभली उसी क्षण बोली होकर लाल। सीता जी कहने लगी, और एक कमबख्त रावण, कि ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी
धनुष तोड़ कर लाए हैं, वो ही अरे मेरे रखवाले हैं। ओरे कंबख्त थोड़ी देर ठहर जा, हमारे प्रभु मारीच के साथ में पीछे पीछे चले गए, वो छलिया मृग बन करके आ गया था, वो अभी आने वाले हैं। और जवाब दिया कि तूने ये देख लिया कि सीता रेखा से बाहर हो गई, अब तक मैं उस रेखा में थी, अब तक मैं उस रेखा में थी, अब सत की अर रेखा में हूं, अबला हूं इतना बल है रे पतिव्रत की, अब रेखा में हूं। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतपंथी के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। बटुए की क्षमता करती झोली भीख मंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा ये नीच पतंगे की, श्रोताओ सीता जी जवाब देने लगी हैं, ओरे दुष्ट रावण अब तक तो मैं उस रेखा के अंदर थी, अब सत की रेखा के अंदर हूं, ओरे कंबख्त दानी के बटुए की क्षमता कभी भिकमंगा की झोली नहीं कर सकती है, पतंग ये सोचे कि हम सूरज के पास पहुंच जाएं। तो भक्तों रावण लज्जित हो गया सुनकर, ऐसे बैन अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन, देखा उसने इस समय एक अपूर्व प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नई, नया स्वर्ग आकाश, अब तो रावण बड़ा ही लज्जित हो गया सीता जी के ऐसे शब्द सुनने के बाद में। और भक्तों सीता जी जवाब देने लगी, और एक कंबख्त रावण अब भी मेरी बात समझने की कोशिश कर, लेकिन मन ही मन में कुछ और विचार आया कि मानो नबीन घन मंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है, मानो नमीन घन मंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है, उसमें ज्योतिर्मय मूर्ति एक, उसमें ज्योतिर्मय मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है, Thank you.
सीता जी से कहा है उस रावण ने कि देखो आज तुम हमारे कब्जे में हो, लेकिन अब किसी तरीके से मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो सीता जवाब देने लगी, और एक कमबख्त सतबंती के सामने ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं है जो बोल सुनाए, लेकिन तेरे जैसे पापी हमारे सामने आकर के इस तरीके की बात करें। और बोली कि हे रोम रोम में तारागढ़ चंद्रमा सूर्य भ्रकुटी में है, हे रोम रोम में तारा गड़ो चंद्रमा सूर्य भ्रकुटी में है, हे चारों दिशा भुजा चारों सब उदय अस्त चुकुटी में है, कहा है कि नालायक रावण मेरे सामने इस तरीके की बातें करने की कोशिश ना कर, और अगर तू नहीं मानता है तो थोड़ी देर ठहर जा। और बोली है सीता कि दानी के बटुए की समता और करती झोली भिकमंगे की, करती झोली भिकमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा यह नीच पतंगे की, रावण मूर्त की तरह से खड़ा रह गया दोस्तों। और रावण की जहां भी नजर जाती है एक अनोखा रंग देखा, अब जिधर देखता है रावण वह मूर्ति उधर हो जाती है, वह मूर्ति उधर हो जाती है, मानो रावण के कानों में वह मूर्ति भी कुछ कहती है, रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, हो रामा हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम, मन ही मन में उसने सीता जी को प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद में भक्तों सीता जी के नजदीक पहुंचा वो रावण, और सीता की जेट भर करके रथ पर बिठाला, यहां तक देखा कि उसके उपरांत हुआ वो ही जो होनहार दिखलाता था, रावण के रथ पर सीता थी, रथ लंका नगरी जाता था, ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, हा राम राम हा राम राम बस यही आवाजें आती थी। सीता की जेट भरने के बाद में वो रावण लंका के लिए चला गया दोस्तों। कि लेगा रावण सीता नारी हर भिकारी हुई के राम, लेगा रावण सीता नारी हर भिकारी हुई के राम, भिकारी हुई के राम, हर भिकारी हुई के राम, कि लेगा रावण सीता नारी हर भिकारी हुई के राम, लेगा रावण सीता नारी हर भिकारी हुई के राम। राघवेंद्र भगवान की।